आगरा में राशन की कालाबाजारी की रोकथाम और जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में सिस्टम तो सुधरेगा, संगठन के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिला पूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राशन कोटेदारों की कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई न होने की बात कही, जिस पर जिला पूर्ति अधिकारी ने संगठन के लोगों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विश्वास दिलाया। शनिवार को आगरा जिला पूर्ति कार्यालय पर सिस्टम तो सुधरेगा संगठन के संचालक नीरज शर्मा सहित संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं ने जिला पूर्ति अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राशन की कालाबाजारी की रोकथाम और दोषियों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई। सिस्टम तो सुधरेगा संगठन के संचालक नीरज शर्मा ने बताया कि सरकारी राशन माफिया गरीबों के हिस्सों पर डाका डाल रहे हैं। विभाग द्वारा कई बार राशन की कालाबाजारी को पकड़कर उनके विरुद्ध मुकदमे किए गए, लेकिन मुकदमे दर्ज होने के बाद भी राशन माफियाओं पर लगाम नहीं लग सकी। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी राशन माफिया राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं। सिस्टम तो सुधरेगा संगठन के लोग यहाँ मौजूद है, जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय पर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का जो संबंध विषय था वो राशन की कालाबाजारी को लेकर था। कई बार राशन की कालाबाजारी होती है और पकड़ी जाती है और उसके बाद विभाग कार्रवाई भी करता है, मुकदमे लिखाए जाते हैं, लेकिन उसके प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। मुकदमे लिखने के बाद भी लोग फिर दोबारा राशन की कालाबाजारी करने लग जाते हैं, उनके मुकदमों में पैरव भी नहीं की जाती और वो गैंगस्टर बनाकर उसको कार्रवाई को अंजाम देते हैं जो राशन कालाबाजारी को, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी नहीं की जाती। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी आगरा के कार्यालय पर जिला आपूर्ति अधिकारी को ज्ञापन दिया था। संगठन के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें कालाबाजारी किए जो घटनाएं कुछ सामने जो आई हैं उसके संबंध में जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उसके बाद भी ये है कि जिन पे एक बार मुकदमा हो चुका है वो लोग फिर से इसी काम में संलिप्त हैं, तो इसको लेके विशेष तौर पर ये बात कही गई है और ये कहा गया है कि कालाबाजारी पे ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश लगे। फिलहाल इस मामले में जिला आपूर्ति अधिकारी संजीव कुमार ने दोषियों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सी न्यूज के लिए नम्रता राणा के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।